आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश ब्यूरो से एलएन सिंह की रिपोर्ट। एक दिन में 64 मरीज मिले। सीएमओ ने अपील की है लोगों से कि वे टीका लगवाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4 माह बाद कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर 50 के पार पहुंच गई है। इससे पूर्व 25 नवंबर को 52 संक्रमित मरीज मिले थे। बृहस्पतिवार को कोरोना के 64 नए मरीज मिलने से विभाग के सामने अनेक मुश्किलें भी खड़ी होती हुई दिख रही हैं। हालांकि प्रशासन की अपील के बाद लोग जिला अस्पताल पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश ब्यूरो से एलएन सिंह की रिपोर्ट। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुधाकर पांडे, गोरखपुर के सीएमओ सुधाकर पांडे ने लोगों से अपील की है कि वे सभी कोविड का टीकाकरण करवाएं। और उन्होंने ये बताया कि कोविड संक्रमण की जांच जिला अस्पताल के पास स्थित तो फोरेंसिक लैब व चरगवां स्वास्थ्य केंद्र में 2400 घंटे हो रही है। बाहर से आने वाले एवं वहां के जिन लोगों में संक्रमण की संभावनाएं हैं या उनमें कहीं इस तरीके के संक्रमण के कहीं कोई संकेत मिल रहे हैं, वे कभी भी जाकर जाँच करा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर की जांच कराई जा सकती है। इसके साथ ही बचाव के नियमों का पालन करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। आइए बताते हैं सुधाकर पांडे सीएमओ गोरखपुर क्या कह रहे हैं। सुधाकर पांडे के द्वारा 4000 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। हमारे करीब 145 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें 115 हमारे सरकारी अस्पताल हैं जिसमें निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है, और 35 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो हमसे वैक्सीन ले गए हैं, वो भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वो 250 रुपये प्रति व्यक्ति डोज के हिसाब से चार्ज ले रहे हैं। सर, जनता से क्या अपील करेंगे, जो लोग की दिमाग में अभी भी ये चीज़ बना हुआ है कि वैक्सीन से कोई लाभ नहीं है या वैक्सीन के प्रति जो रूमर्स फैले हुए हैं उनको लेकर? नहीं, वैक्सीन बहुत ही उपयोगी है। बहुत सारे जगह रिपोर्ट आ रही है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर आप कोरोना का पालन नहीं कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, किसी भी ऐसे लोगों के सामने संपर्क में है जो कोरोना पॉजिटिव है, उसकी सांसें आपके अंदर जा रही हैं, तो थोड़ा बहुत असर आपके नाक में वायरस का असर आता है, तो वो उस समय अगर जांच ली जाती तो पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन बीमारी की जो सिवेरिटी है कि बुखार आना, गले में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ना या सांस में दिक्कत आना, ये सब बहुत ही माइल्ड सिम्टम आते हैं। वैक्सीनेशन से मरने की और सिवियरिटी की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। वायरस आता है चला जाता है, और उससे ये भी कहा देखा गया है कि साइंटिस्टों ने यह बताया है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है अगर वो पॉजिटिव हो गए हैं तो उनको फैला भी नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत ही वीक वायरस उसमें होता है और उससे सुरक्षा आ जाती है, तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। यूपी में जो अलर्ट में है, गोरखपुर भी है, यहाँ ज़्यादा पेशेंट पाए गए हैं, इसको लेकर के सर क्या कुछ किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा? पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, उसमें हमारा गोरखपुर भी है। पहले तो हम लोग 1 हफ्ते पहले बिल्कुल ही हमारे पास नील पेशेंट हो चुके थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है और जांच भी हमने बढ़ा दिया है। कल ही हमने 4000 के आसपास जांच की है, तो हमारे एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डों पर और हमारी सभी PSCs और हमारे अर्बन PSCs पर सब पर जाँच हो रही है। वो पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़ी है और उसके लिए हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, फिर उनको आइसोलेट कर दे रहे हैं। हमारी RRT भी तैयार हो गई है, जो IIIC से फ़ोन किया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति ली जा रही है और उनको पॉजिटिव सलाह दी जा रही है कि आप कोविड का पालन करें, घर में रहें तो अपने अकेले आइसोलेट होकर के रहें, अपने माँ बाप भाई बहन को कोरोना ना दें,
और हमें ये भी अपील है कि जो जिनकी जांच छूट जा रही है रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर, वो खुद भी अपने घर जाएं, तो ये सोच के आएं कि जो आप जिस शहर से आ रहे हैं उस शहर में कोरोना फैला हुआ है, और आपके शहर में कोरोना नहीं, आपके माँ बाप कोरोना से के पॉजिटिव नहीं है, तो आप ही से उनको कोरोना फैल सकता है। तो आपकी खुद जिम्मेदारी है कि आप स्वतः आइसोलेट हो जाइए, और अगर आपको कोई सिम्टम आता है तो हमारे नियर बाई सरकारी अस्पताल में आके जांच कराएं और उसका ट्रीटमेंट। तो ये थे डॉक्टर सुधाकर पांडे, CMO गोरखपुर, इनके द्वारा अपील की गई है। लोगों से अपील है कि वे कोरोना का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। समाचार एजेंसी अपील है कि उत्तर प्रदेश से KPRO से एलएन सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए, सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका YouTube का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।